भदोही जिले के सुरियावा कोतवाली क्षेत्र के भीखमापुर गांव में बैंक मित्र से तमंचे के बल पर लूट की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर हौसला बुलंद बदमाशों ने दिनदहाड़े असलहे के दम पर बैंक मित्र से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूटपाट के बाद बैंक मित्र के बाइक की चाबी निकालकर बदमाश आसानी से बसवापुर की तरफ फरार हो गए। दावा किया जा रहा है कि करीब 1,00,000 रुपए की लूट हुई है। उधर दिनदहाड़े असलहे के दम पर लूट की जानकारी मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते घटना स्थल पर सुरियामा इंस्पेक्टर सुनील सिंह, सीईओ एडिशनल एसपी और डीआईजी आरपी सिंह मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित बैंक मित्र से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की है और पुलिस भीखमापुर गांव से लेकर सुरियामा और बसवापुर के आसपास वाले इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। देर रात तक घटना स्थल पर पुलिस का सायरन गूंजता रहा और पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जाता है कि सुरियावा के मकनपुर गांव के रहने वाले शारदा प्रसाद मौर्य मकनपुर गांव में मिनी बैंक चलाते हैं और शारदा मौर्य बुधवार को सुरियावा के बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से करीब 1,00,000 रुपए लेकर अपने घर मकनपुर की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वह जैसे ही बसवापुर सुरियावा रोड पर भीखमापुर नहर के पास पहुंचे तभी बाइक पर सवार कुछ लोग पहुंचे और हैप्पी दिवाली बोलने लगे, जिसके बाद जैसे ही शारदा मौर्य ने अपनी बाइक रोकी तभी एक आरोपी ने पिस्टल निकाल दिया। जा रहा है कि पिस्टल के दम पर शारदा मौर्य के पैसे लेकर बदमाश आसानी से हवा में पिस्टल लहराते हुए बसवापुर की तरफ निकल गए। पीड़ित शारदा मौर्य के मुताबिक एक ही बाइक पर 3 बदमाश मौजूद थे और सभी की तीनों बदमाशों की उम्र करीब 25 से 30 साल है। जाते जाते बदमाशों ने शारदा मौर्य के बाइक की चाबी निकाल ले गए ताकि वह बदमाशों का पीछा न कर सके। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल दिनदहाड़े तमंचे के बल पर बैंक मित्र से लूट की जानकारी होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और इस घटना ने कहीं न कहीं पुलिस को एक बार फिर खुली चुनौती दी है।